हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूं, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सत्यम सर। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? तीसरा दिन है। कितना समय डेली मिलता है आपको? एक घंटा। ड्राइविंग सीख के कहाँ जाना है आपको? जाने। नहीं नहीं, मतलब इंडिया में रहना है, इंडिया से बाहर जॉब कर, इंडिया में ही चलाना है। ओके, नहीं ज्यादातर मोस्टली बच्चे जो आते हैं वो बाहर के लिए आते हैं, जैसे बाहर हल्फ कंट्री जाने के लिए। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं गोमती नगर वाले बाईपास पे, जो आपका ये रिवर फ्रंट वाला रोड है और ये है 5 लाइन का रोड। तो यहाँ पे देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 4 और 5 फाइव लाइन है। तो ऐसे रोडों पे हमें कार को कैसे चलाना चाहिए? जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि ऐसे रोडों पे कार को कौन सी लाइन में चलाना चाहिए। तो दोस्तों पहली जो फर्स्ट वाली लाइन है वो ओवरटेकिंग के लिए, सेकेंड वाली लाइन है वो भी ओवरटेकिंग के लिए। अगर आप विगनर हैं 20 से 30 की स्पीड में अगर आप कार चलाना चाहते हैं 30 अप्रॉक्स, तो इस लाइन में आप थर्ड लाइन में चल सकते हैं। अब देखो राइट से बस निकली, बस की स्पीड है कम से कम 50 प्लस, हमारी स्पीड है 40, उसकी स्पीड है 40 से 60 अराउंड। तो अगर हम इस लाइन में रखते तो पीछे से जो भी गाड़ियां जा रही ना वो डिस्टर्ब करती है। तो जब भी कभी हम इस तरीके से ऐसे रोडों पे चलें तो हमें क्या करना है, अपनी कार को इस थर्ड वाली लाइन में रखें, जिसकी वजह से हमारी वजह से कोई पीछे से बाइक स्कूटी कार वाला डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी ऐसे किसी बड़े रास्ते पे चलते हो जहाँ पे 4 लाइन या 5 लाइन 6 लाइन का रोड हो, तो अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आप 60 प्लस चलना चाहते हो तो राइट वाली लाइन में रखो सबसे फर्स्ट लाइन में। अगर आप 40 से 60 चलना चाहते हो तो आप सेकंड लाइन में रखो। अगर आप 30 से 40 चलना चाहते हो तो आप इस थर्ड लाइन में रखो। अगर आप और स्लो चलना चाहते हो तो आप सेकंड लाइन में रखो। तो और सबसे लेफ्ट वाली जो लाइन है वो बाइक वगैरह की होती है, स्कूटी वगैरह, बाइक, ऑटो ऑटो जो है इनकी सबके लिए होती है। तो यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत डायरेक्शन में कार ड्राइव कर रहे होते हैं राइट वाली लाइन में, और पीछे से जो भी गाड़ी आती है वो हॉर्न पे हॉर्न हमें देती हैं और हमें लगता है कि वो हॉर्न क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको ओवरटेक करना, तो जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा, लेफ्ट साइड से नहीं करेगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा आराम से। हाँ चलो, और रेड लाइट वगैरह पे ध्यान दिया करो, जहां पे रेड लाइट हुआ करे ना, अगर येलो लाइट ब्लिंक कर रही तो इसका मतलब है बी अलर्ट, कार को रोक के देख के लेफ्ट और राइट फिर निकालना है। ज्यादा राइट मत सटाओ, इतना ज्यादा राइट क्यों जा रहे हो? अब सीधा चलो, अब धीरे धीरे राइट का सिग्नल दे दो, पीछे से गाड़ियां भी आ रही हैं और पूरा हाथ लगा के नहीं देते सिग्नल, एक उंगली लगाते हैं, आपने पूरा हाथ लगाया, राइट ही रखो दबा के, हमें राइट टर्न करना है। हाँ बहुत प्यार से, यहाँ पे मैं कोई क्लच ब्रेक नहीं यूज कर रहा हूँ, और स्लो करो, इसके लेफ्ट से निकालो, राइट से नहीं लेफ्ट से स्लो करके। हाँ अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, क्योंकि ट्रैफिक चारों तरफ से आ रहा है, हल्का हल्का राइट दबाओ बस। हाँ धीरे धीरे क्रॉस में हाँ स्लो कर लो, ऐसे ब्रेक नहीं लगती जैसे आपने लगाई है अचानक, कार में झटका नहीं आना चाहिए, समझ गए, जर्क नहीं आना चाहिए, बस धीरे धीरे क्रॉस में चलते रहो। हाँ हल्का लेफ्ट ही दबा के रखो, राइट क्यों जा रहे हो जब हमें सीधा चलना है। चलो चलो, हाँ खिसकाओ धीरे धीरे, आप क्लच गलत जगह से सब दबाते हो इसलिए क्लच नहीं दबता है, अंगूठे से नहीं दबा पा रहे हो, तलवे से दबा रहे हो इसलिए पूरा क्लच ही नहीं दबता है, सीधा चलना है। अंगूठे से ज्यादा ताकत लगेगी तलवे से? तलवे से लगेगी ताकत, अंगूठे से ज्यादा। तो तलवा क्यों बोल रहे हो? जब अंगूठे से टच फील अच्छे से आएगा तो तलवा क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? इस बार पूरा क्लच दबा, तो फिर इससे पहले 80% से ज्यादा क्लच ही नहीं दबा पा रहे हो इसीलिए गियर अटक रहा है, गियर फंस रहा है बार बार। अब लगा के देखो, जरा लगाओ देखो, लगा मक्खन जैसा, फिर इतना क्लच हर बार दबाना चाहिए, जब भी गियर चेंज करो पूरा 101% क्लच दबना चाहिए, 99 नहीं, 90% नए लोगों के साथ ये दिक्कत होती है और गियर में बहुत ज़्यादा वो ताकत लगाती है जिसकी वजह से गियर खराब हो जाता है, चलती कार में गियर अपने आप न्यूट्रल होने लगता है। पर ये राइट वाली लाइन फाइनली छोड़ देना ताकि जो भी निकले वो राइट साइड से निकलता रहे,
अभी ऐसे लोग चलते हैं जो स्कूटी बाइक से, इनको एक बार अलर्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए और कहाँ रख रखा था तुमने? क्यों? ये एक्सीडेंट के कारण होते हैं, ये सारे एक्सीडेंट के कारण होते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई टर्निंग आता है, हमको ब्रेक लेना नहीं है, लेकिन हमें पैर ब्रेक पे रखना है ताकि जरूरत पड़ने पे हम ब्रेक दबा पाए। कई बार क्या होता है, पैर हमारा होता है एक्सीलेटर पे, हम सोच रहे होते हैं ब्रेक दबा क्या देते हैं एक्सीलेटर, और दबाना क्या होता है बाय मिस्टेक, पैनिक कंडीशन में ये सब हो जाता है। तो उससे मतलब घटना घटने से पहले हमारा पैर ब्रेक पे अगर आ जाता है तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। देखो मैडम ने क्या किया, देखा तुमने, अचानक गाड़ी के सामने आ गई, थोड़ा सा इनको डिस्टेंस बना के तब लाइन चेंज करनी चाहिए थी। अभी इनके हल्की सी स्पीड आप बढ़ा देते तो क्या होता, गिर जाती। कभी भी किसी भी गाड़ी को अगर हम ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करने के बाद 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद लाइन चेंज करते हैं। इतनी जल्दी लाइन चेंज करने का कोई रीजन ही नहीं होता है, हादसे से हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। बारीकियां सीख जाओगे ना उतने अच्छा ड्राइविंग, तेज चलाना कोई कला नहीं होती है। अब जैसे ये हाईवे सपोज बाईपास, यहाँ आप 40, 60, 70, 80 दौड़ा दो, लेकिन इसका कोई रीजन है? सीखने को हमको सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? फर्स्ट एंड सेकंड गियर एंड रिवर्स गियर। फर्स्ट एंड सेकंड गियर कहाँ यूज किया जाता है? गलियों में, कॉलोनियों में, छोटी छोटी जहाँ पे 100 मीटर पे राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, छोटी लाइन है, 8 फीट का 10 फीट का रोड है, वहां पे गाड़ियां रोकनी बढ़ानी, वहां सीखने को मिल, यहाँ सिर्फ दौड़ाने को मिलता है गाड़ी। एक्चुअल में जो हम जो कॉन्फिडेंस आता है ना कार के जजमेंट का, लेफ्ट का राइट का, यहाँ पे कभी 90 डिग्री स्टीयरिंग घुमाने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि 30 डिग्री में ही काम चल जा रहा है, 30 भी पूरा नहीं घुमाने को मिल रहा है। बहुत बारीकियां होती हैं जो छोटी छोटी, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। देखो कार चलाना बहुत बड़ा टफ काम नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो हॉर्न वगैरह लोग बजाते हैं ना, कुछ लोग लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ लोग राइट से ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना। आप देखो इसको, देखा पल्सर वाले को, उसने क्या किया, एकदम से लेफ्ट से ओवरटेक करा, एकदम से गाड़ी के सामने आ गया। जितना अलर्ट रहोगे भाई उतना बेनिफिट आप ही का रहेगा, ठीक है? जितना, क्योंकि मैं क्लच ब्रेक कुछ यूज नहीं कर रहा, इसलिए मुझे हर एक एक चीज आपको अपडेट करनी पड़ रही है। अगर मैं यहां से क्लच ब्रेक लेना स्टार्ट कर दूं तो क्या मुझे इतना बोलना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बोलना कत्ता ही नहीं बोलना पड़ेगा। हल्का सा राइट रखो, चलने दो, हाँ सीधा चलना स्ट्रेट। ऐसे जैसे भी आप थर्ड फोर्थ से थर्ड गए, थर्ड से सेकंड गए, तो डायरेक्ट भी आप फोर्थ से सेकंड में आ सकते हो। अगर गाड़ी की स्पीड 40 या 60 चल रहे थे और आपने ब्रेक लेके गाड़ी को धीमा कर दिया, क्लच लेके स्पीड आपकी 20 आ गई, तो जरूरी नहीं कि फोर्थ से थर्ड में जाओ, डायरेक्ट फोर्थ से सेकंड में आ सकते हो आप, ठीक है? बहुत प्यार से चलाना है, जितना प्यार से चलाओगे गाड़ी भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित, सामने वाला भी सुरक्षित, समझ गए? ये जो लोग लेफ्ट से राइट से घुसने लगते हैं, इनसे बच के रहना है। पहले क्लच के रिलीज किया करो, फिर एक्सीलेटर पे जाया करो। अच्छा ये बताओ, क्लच पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया तो एक्सीलेटर दे दोगे? तो जब नहीं दे दोगे तो एक्सीलेटर पे पहले जाना चाहिए, पहले क्लच को रिलीज करना चाहिए? पहले क्लच। तो आप क्या करते हो? पहले एक्सीलेटर पैर, उसके बाद क्लच। तो गलत है ना ये? फिर अगर क्लच दबाए दबाए एक्सीलेटर आपने दबाया तो क्लच प्लेटें खराब होंगी। अब देखो इसने क्या करा, I20 वाले ने तो सिग्नल भी नहीं दिया जो भी राइट टर्न कर रहा था, और डिजायर वाले ने तो लास्ट मोमेंट पे आके सिग्नल दिया।
I20 वाले ने तो सिग्नल ही नहीं दिया कि उसको राइट टर्न करना है, पूरी गाड़ी टर्न कर गया। इसलिए इन सबसे बच के रहना, ये सोच के चलो रोड पे जितने चल रहे हैं वो भिड़ने आ रहे हैं आपसे, समझ गए? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं।